मतलब इतना मवाद डाले पटरियों पर रोड पे कि उनको हटाने में ही कोई ना लगे। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए। CAA के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के दौरान अपने बयानों के चलते चर्चा में आए शर्जिल इमाम के खिलाफ दिल्ली की साकेत कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई है। दिल्ली पुलिस ने शर्जिल इमाम पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। शर्जिल इमाम का 13 दिसंबर को दिए भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उसने कहा था कि अगर हमारे पास संगठित लोग हों तो हम असम को भारत से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर सकते हैं। इस देश विरोधी और हिंसा फैलाने वाले भड़काऊ भाषण की जब जांच की गई तो पुलिस ने शर्जिल इमाम के खिलाफ राजद्रोह, धर्म और भाषा के आधार पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए IPC की धारा 124A और 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया, जिसके चलते कोरोना संकट के बीच दिल्ली पुलिस ने शर्जिल इमाम के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डाले पटरियों पर रोड पे कि उनको हटाने में ही कोई ना लगे, ठीक ही नहीं। जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, CAA नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन टाइम में लोग डाले जा रहे हैं, है ना, और वहाँ तो खैर कत्लेआम चल रहा है 6-8 महीने में पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया जाए, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है। तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ लें, फौज के लिए और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत। दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि 15 दिसंबर को जामिया मिलिया के छात्रों ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और जामिया में रैली आयोजित की थी। इस दौरान गंभीर हिंसा हुई थी जिसमें छात्रों द्वारा की गई पत्थरबाजी और आगजनी और हिंसा के कारण सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुँचा था। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पिछले कई दिनों से चर्चा में आया शर्जिल इमाम आखिर है कौन, और साथ ही जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ ये पूरा मामला है क्या। हम रास्ता नहीं बंद कर रहे, हम सड़क बंद कर रहे हैं। फर्क समझाइए लोगों को, रास्ता किसी के लिए बंद नहीं है। सब मेट्रो जा रहे हैं, साइकिलें आ रही हैं, मफलूज के लिए एम्बुलेंस आ रहा है, किसी के लिए बंद नहीं है। बंद क्या है? सड़क, सड़क तो हम बंद करेंगे क्योंकि तुम्हारा माल गुजरे हमारे बगल से और तुम हमें कत्ल करो, ये हम। कब सामने आया शर्जिल इमाम का नाम? पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी था। दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर नागरिकता संशोधन कानून की आग असम, पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में फैल चुकी थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी CAA के खिलाफ प्रदर्शन जारी था। इस बीच शर्जिल इमाम का जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ में दिए गए भड़काऊ भाषण का वीडियो सामने आता है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश और असम में शर्जिल इमाम के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है। मामले ने जैसे ही तूल पकड़ा शर्जिल इमाम फरार हो गया। फरार होने से पहले शर्जिल इमाम को बिहार के फुलवारी शरीफ में एक मीटिंग के दौरान देखा गया था। पुलिस ने इस दौरान कई जगह छापेमारी भी की लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। इसके बाद 28 जनवरी को पुलिस ने बिहार के जहानाबाद से शर्जिल इमाम को गिरफ्तार किया। कौन है शर्जिल इमाम? शर्जिल इमाम बिहार के जहानाबाद का रहने वाला है लेकिन उनका परिवार अभी पटना में रहता है, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU के सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज के छात्र हैं। इसके अलावा शर्जिल IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर चुका है लेकिन अपने बयानों के चलते फिलहाल शर्जिल पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये देखना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABC Star News।